देखिए दोस्तों, एक तरह से झाड़ है लेकिन इसको मैं झाड़ू बनाऊंगी। ऐसे बैठेगी, ऐसे रहे, ऐसे ऐसे। रुको रुको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा धान हर जगह का पक गया है और कटाई के लिए रेडी है। तो उससे पहले ये जो हमारा खनियाल है, देख सकते हैं पूरा घास उग गया है, तो इसकी हमें सफाई करना है, पूरा छीलना है। तो अभी हम लोग छीलने आए हैं। नहीं सूखेगा ये, देखिए पूरा घास उग गया है, पूरा इधर जंगल बन गया है। इसकी हम छिलाई करेंगे, उसके बाद इसकी पूरा लिपाई पुताई होगा। और कौन करेगा? अनिसमा करेगी, हम दोनों करेंगे। तो अभी हम लोग छिलने जा रहे हैं। और इधर देखिए कैथलीन भी आई है काम करने, मम्मी पापा का हेल्प करने आए। और इधर देखिए कोड़ी लेके आए हैं और सुपा कचड़ा फेंकने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इधर देख सकते हैं अनिसमा इधर छीलना चालू कर दी है। अच्छे से छिलाई करना ना, ठीक है? ये देखिए छिलाई कर रही है। एक ले तू, मजा बेटा, मजा मजा। अभी ना तुम कचड़ा को फेंकेगी ना बेटा, वो दे सुपा को लेके आना। जा जा सुपा को लेके आना। कैथलीन स्पीड करना, स्पीड एक लेवल में लेके जाना, नहीं तो गड्ढा ऊंचा हो जाएगा ना, तो धान घुस जाएगा नीचे। हो गया, थक गई, थक जाएगी तो बता देना, मैं छीलने आऊँगा। और इधर देख सकते हैं दोस्तों कितना घास है, ये सबको पूरा काट काट के हम लोग बैल को खिलाएंगे। और इधर देख सकते हैं इसको पूरा बैल को खिलाए हैं काट काट के। और ये जो पुराना पुआल है इसको हम लोगों को फेंकना है, और इसकी हम लोगों को सफाई करके जो जो बल्ली इधर ख़राब हो गया है ये सब, ये हमें नया लगाना पड़ेगा। और खूंटा भी देख लेते हैं, कोई सा अगर ख़राब होगा तो खूंटा भी नया लगेगा। फिलहाल तो सारा खूंटा ठीक नज़र आ रहा है। दोस्तों अनिसमा से नहीं जम रहा है छीलते, कभी गड्ढा कभी ऊंचा कर रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ छीलने, आ जाओ। तो देखिए इधर अग्रेसिव पापा छीलना चालू कर दिए। लगभग कितना दिन लगेगा साफ करने के लिए? अगर अच्छे से करेंगे ना तो ये 2 दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग के पास समय नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ज्यादा समय। लेकिन जल्दी साफ करते ना तो अच्छा होता, काहे कि जमीन भी नहीं सूख पाया है। और ये देखिए इधर पूरा पेड़ लगा है, इसके वजह से भी नहीं सूखता है, पूरा छाया छाया। ऐसे छीलेंगे तो एक दिन में ही साफ हो जाएगा, है ना? ये देखिए अनिसमा इधर का घास को काट दे रही है, और इस घास को हम लोग बैल को खिलाएंगे। और इधर घास कटने के बाद हमें छीलने में भी आसानी होगी। देखिए दोस्तों, एक तरह से झाड़ है लेकिन इसको मैं झाड़ू बनाऊंगी। ये बरियाली है, ये साफ होने के बाद यही वाला झाड़ू से झाड़ेंगे, बरियाले से झाड़ू बना के। तो देखिए कितना सारा मेरे पास झाड़ू बन जाएगा, कितना बड़ा बड़ा है। इसको मैं पहले सुखा लूँगी, उसके बाद, नहीं तो ये पूरा टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत सारा बरियाली है, एक ही झाड़ू तो बन ही जाएगा। इधर देखिए अच्छा सुंदर सुंदर छोटा छोटा ये डगाल है। ये देखिए दोस्तों, अनिसमा यहाँ जितना भी छील के रखा था पूरा घास को यहाँ से फेंक दे रही है, क्योंकि मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है छीलने में। बस गड्ढा में डाल दो, खाद बनेगा। एक किनारे डालना, एक किनारे इधर डालो, इधर इधर उधर से निकालना है ना, जो सड़ गया है उस खाद को निकालना है उधर से। इसको ले लो पीछे का, इसको इसे बैठेगी, ऐसे रहे, ऐसे ऐसे। कैसे गिरे गिरे, हैं?
मजा आ रहा है तेरे को। हाँ पापा, तो दोस्तों अभी इधर पापा छिलाई कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हम लोग नाश्ता वास्ता भी नहीं किए हैं। दोस्तों हम लोग शुरुआत तो कर दिए हैं छिलने के लिए, और एक दो दिन लगेगा इसको पूरा साफ़ होने में। थोड़ा थोड़ा छिलाई करते हैं हम लोग, क्योंकि और भी काम करना रहता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ग्रेसी के पापा अपने काम से बाहर जा रहे हैं तो वीडियो बना नहीं पाएंगे, और इनका लौटना शाम हो जाएगा तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड न्यू होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।